फतेह अकाल पुरख दे सेवा सलाह दे प्रोग्राम एक ओंकार विच आप जी दा स्वागत है। सासंगत जी, आज दे धर्म विचार दा विषय है गुरसंगत कीनी खालसा। जिवें कि आप सब जानते हो कि यह पंक्ति गुरसंगत कीनी खालसा मनमुखी देहला दूजे भाई गुरदास जी की दूजी वार विच सुशोभित है। सो अज इस पंक्ति का पाप जानांगे, जानांगे कि गुरसंगत की है, खालसा की है, गुरसंगत तो बाद जो जो खालसा बनया तो केड़े केड़े पड़ा आए। बहुत सारे प्रश्न ने अज के धर्म विचार लैके। सो अज धर्म विचार विच विषय नूं लैके साडे नाल स्टूडियो विच मौजूद ने ज्ञानी अमरीक सिंह जी, जो कि देश विदेश गुरमत प्रचारक वजों अपनी सेवावां निभा रहे जी। आप जी का प्रोग्राम एक ओंकार विच बहुत बहुत स्वागत है। ते इस तो पहला कैसे अज का धर्म विचार शुरू करिए, सब तो पहला गुरु घर के दर्शन करते हैं, जिथों से दर्शन के संत अपने आप नूं अड़पाका मनदियां हन। सुल्तानपुर कपूरथला जिले च पैंदी ओ इतिहासिक नगरी जिस नाल श्री गुरु नानक देव जी दा खास लगा सी। लगा दी वजह भी बड़ी खास सी। इत्थे ही आप जी दे अत प्यारे वड्डे भैण जी बेबे नानकी जी निवास करदे सन। आप जी अपने परवैये जय राम जी दे सद्दे ते इत्थे आण वसे। सुल्तानपुर वेंग कंडे पुरानी जरनैली सड़क ते वसिया ओ पुराना शहर है जिथे उस वेले नवाब दौलत खान लोधी दा राज सी। आप जी नवाब दे मोदी खाने च मोदी बन गए ते गरीब गुरबियां दी दिल खोल के मदद करन लगे। महिमा प्रकाश च जिक्र है, जो भुखा प्यासा चल आवे दयाल के पर पलड़ा तिस दे तराजू टाल के। सुल्तानपुर विखे सुशोभित इतिहासिक गुरुद्वारा बेर साहब आप जी दे इत्थे निवास ते तप दी आलीशान यादगार है। इस पवित्र स्थान ते आप जी ने 14 साल 9 महीने ते 13 दिन तपस्या कीती। आप जी दे इस तप स्थान ते आके संतां गुरबाणी पाठ करके गुरचरणां नाल जुड़दियां ने। इत्थे मौजूद इस बेरी साहब दा भी विलखण इतिहास है। जगत दे उदार लई प्रचारक उदासियां ते जाण वेले आप जी वलों गंढी गई इक पुरातन बेरी बेर साहब बन गई। सिख इतिहास च संगत दी नींह भी इसे नगर च रखी गई मन्नी जांदी है। भाई भगीरथ ते भाई मनसुख दा इत्थे दर्शनां नूं आउण दा खास जिक्र मिलदा है। गुरु जी दे वेले तों ही दूरों नेड़ियों संतां इत्थे आण जुड़दियां ने। अज भी संतां दिली शरदा लैके इस पावन स्थान ते हाजरियां भरदियां ने। हर साल इस स्थान तों गुरु जी दी बरात दे रूप विच नगर कीर्तन बटाला दे लई रवाना हुंदा है, जिस विच संतां वड्डी गिनती विच शमूलियत करदियां ने। रोजाना ही गुरु जी दियां संगतां इत्थे मौजूद सरोवर च इशनान करके गुरु जी दा अटुट लंगर छक के बेर साहब दे दर्शन करके गुरु जी दे तप स्थान ते बैठ के तप करके अपनी यात्रा सफल बनाउंदियां ने। ते गुरु घर दे दर्शनां तों बाद हुण शुरू करदे हां जी धर्म विचार। गुरसंगत की नी खालसा मनमुखी दोहेला, अज यही विषय लैके आप जी दे सामने रूबरू होए हां ज्ञानी अमरीक सिंह जी साडे नाल ने। सब तो पहला तां इह जानना चाहांगे कि गुरसंगत की है ते खालसा की है। जी बिल्कुल, असल विच जिहड़ी गुरमत है उहने इक सानूं सफर तय करना सिखाया। जिवें आपां कह सकने एक इहो जिहा सफर है जिहदे विचों काम तो लैके नाम तक, संसार तो लैके निरंकार तक, इसे तरह आपां कह सकदे इक आकार तो लैके विचार तक सतगुरु जी ने सानूं इस स्थान ते पहुंचाया। जिहड़ी अज दी विचार आपां लैके तुरन दी कोशिश करांगे उह गुरु संगत इक शुरुआत है ते संगत दे विचों निकल के जिहड़ी इस मंजिल तक पहुंचण दी गल है उह है खालसा। उत्थे तक इक सफर है साडी जिंदगी दा। दूजे शब्दों में मैं यह भी कह सकता है भई एक तलवंडी तो लैके तलवंडी तक का सिखी का एक सफर है। वह सफर तय करने वास्ते एक पंथ है,
पंथ का मतलब होंगे रस्ता, उस रस्ते तुर के असी उस मंदिर तक पहुंचना है। सतगुरु जी ने सानू एक अजीब जी दशा मनुखता के सामने रखी है, जिवें मैं एक बार शब्दों फिर दोहरावा, एक आकार तो लेके एक विचार तक। उस वेले दे जिहड़ी गल सी, कोई भी दुनिया दे विच विचार हुंदी ओह किसे आकार नूं संभालण वास्ते हुंदी है। आकार की अपनी कोई दुनिया विच अहमियत नहीं हुंदी, आकार ते सिर्फ विचार नूं संभालण वास्ते हुंदा है। जदों कदे भुल्लड़ लोक उस विचार नूं छड्ड के आकार नूं पूजण लग पैण, समझ लो उदों ओह रस्ते तों कुराहे हो गया जां अपनी जिंदगी दी मंजिल तों भटक गया। गुरु साहब दे वेले इह गल आम हो गई सी, जिहड़े भी लोक रब्बी विचार लेके आए उस रब्बी विचार नूं छड्ड के समुची मनुखता सी जिहड़ी ओह इक कुराहे पै के आकार दी पूजा विच लग गई सी। इह गल असीं हरेक थां ते वेख सकने आ। उस वेले धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज नूं जदों गुरु साहिब जी अनेकां थावां दे उत्ते प्रचारक दौरियां दे दरमियान गए तां उन्हां दा मिलाप इस प्रचारक दौरियां दे दरमियान सिद्धां दे नाल वी होया। सिद्धां ने गुरु नानक साहिब जी नूं इक वचन कीता सी जिहड़ा आपां भाई गुरदास जी दे वचनां विच वी प्यार नाल पढ़दे हां, सिद्ध बोलण सुन नानका तो जग नूं क्या करामात दिखाई, किछ दिखा दे असां नूं तो इक ढिल अवेही लाई। बाबा बोले नाथ जी असां ते वेखण जोगी वस्त ना काई, गुर संगत बाणी बिना दूजी ओट नहीं है राई। कहन लगे भलियो मैं ते इक संगत गुरु दी संगत अते दूजी गल है रब्बी बाणी इक विचार, इन्हां दो चीजां नूं लैके चले आ ते इन्हां दी ही मेरे नाल जिंदगी दे विच अहमियत है, इन्हां नाल ही मैं तुर के जाणा चाहुंदा। और इक वक्त आया गुर संगत दे अर्थ मैं एक बारी फिर स्पष्ट कर दिया। संगत दा अर्थ हुंदा इकट्ठ, गुर संगत दा अर्थ हुंदा जेड़ी गुरु दी संगत है, गुरु लई पैदा होया इकट्ठ है, गुरु वास्ते जुड़े हुए लोग ने जिन्हां दी सोच विच गुरु वस गया। गुरु की है? गुरु एक विचार है, गुरु आकार नहीं है। मैं फिर दोबारे दोहरावा, विचार नूं संभण वास्ते आकार है, आकार की अपनी कोई अहमियत नहीं है। सतगुरु जी ने अपने निजी आकार की पूजा की गल नहीं की, उन्होंने जलों भी गल की केवल विचार की की, तो एक विचार लेके गुरु नूं बाणी दे रूप विच प्रगट करके सतगुरु जी ने इस मनुखता की जिंदगी की शुरुआत की। रब्बी घर वल नूं लेके जाने का एक रस्ता सतगुरु जी ने बना के मनुखता के सामने रखिया। उहदे विचों जिहड़े तां गुरु की विचार नाल जुड़ते गए उत्ते गुरु संगत विच आउंदे गए। राहां दे उत्ते तुसी अक्सर वेखोगे जिथे एक राही तुरदे ने उत्ते राहियां दे रूप विच ही बहुत वाली लुटेरे ते डाकू भी हुंदे ने, चोर ठग भी हुंदे ने। जदों भी कदे ओह राहियां दे रूप विच हुंदे ने आम मनुख नूं पहचान करनी उहनां चीजां दी औखी है। तो गुरदेव सच्चे पातशाह ने एक कृपा की, नाल नाल उंगल पकड़ा के गल समझाउंदे गए। जिहड़े ते गुरु दी संगत विच आउंदे गए यकीन करके जाणियो ओह गुरु पंथ दे उत्ते चलदे रहे। मैं एक बारी भाई गुरदास जी दे वचन दा एक होर सहारा लैणा चाहुंदा। भाई साहिब जी आखदे ने, कहिंदे मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। चलाया शब्द का अर्थ है जी शुरुआत की है, किसी भी रस्ते ते शुरुआती दौर विच कदे मंजिलां नहीं आया कर दिया, मंजिलां एक पंथ तय के तय करके आया कर दिया। तो गुरदेव सच्चे पातशाह ने एक कृपा की, एक पंथ चलाया, एक रस्ता मनुखता नूं दिखाया ते उहदे उत्ते आप उंगल पकड़ के तोरिया इन्हां मनुखता नूं। ते जदों तुरदे गए जिहड़े ते गुरु संगत दी विचार लैके चलदे गए उह ते सिरां नूं तय करदे चले गए। और राह तय हुंदिया गुरु ने कृपा की, किते मनुख आकार नाल ना जुड़ जाए, आकार बदल दे गए पर विचार कदे भी नहीं बदली। गुरु नानक साहिब जी तो आकार बदल के धन गुरु अंगद साहिब जी आ गए, गुरु अंगद साहिब जी तो आकार बदल के धन गुरु अमरदास जी आ गए। पर चेता रखियो एका बाणी एक गुर एको शब्द विचार वह किते भी नहीं बदलिया, वह सिर्फ उही रहा, सिद्धांत उही रहे, शब्द रूप विच उसे तरह रही। ते एक कहानी बदलदिया बदलदिया आखिरकार गुरदेव सच्चे पातशाह ने स्पष्ट कर दिता। कहन लगे भलियो जेड़े ते गुरु विचार नाल जुड़दे गए ओ फिर गुरु के सिख बन के सिरां ते तुरदे गए, पर जेड़े गुरु संगत तों उल्ट जांदे रहे ओ गुरु नानक साहिब जी दे दर तों भी भटकदे गए, गुरु अंगद साहिब जी दे वेले भी भटकदे गए। उन्हां लोकां ने विचार समझ के गुरु अमरदास जी दे लत्तां तक भी मारियां ते धन गुरु रामदास जी दे वेले दी भी चर्चा की। पर यह गल चेते रखण वाली उस वेले सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे जिहड़े संगत रूप विच बन के तुरदे गए
ਉਹ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਗਏ ਅਗਲੇ ਪੰਨ ਤੱਕ ਤੁਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭੁੱਲਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤੇ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਰੇਤ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉੱਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਉਹ ਸਰੀਰ ਉੱਬਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਬਲੀ ਉਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੋਕ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਗਏ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਨਾ ਸਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਖੁਦ ਰਾਖਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਤੁਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਪੰਧ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਧ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਪਰਾਲੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਠੋਕਰ ਵੱਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਠੋਕਰ ਵੱਜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 22 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੱਢਿਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਬਾਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਉਣ ਚੱਲੇ ਆ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਲਿਓਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਟਕਾਰਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਥੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵਕਤ ਆਇਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਵਕਤ ਆਇਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਉਸ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਗਿਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਸੰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਸੰਦ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਚਾਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵਕਤ ਬਾ ਵਕਤ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਸੰਦ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਾਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਥਾਪੇ ਮਸੰਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਥਿੜਕ ਗਏ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਏ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਪੈਸਿਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਭਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋਗੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਸੰਦੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪੁੱਤਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ
ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਗੁਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਭੁੱਲੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਗੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਕੋਲੋਂ ਅਰਥ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਤ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ, ਸਦਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਕੱਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਸੂਚਕ ਨੇ। ਸਰਣਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਲੋੜਵੰਦ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜਨੇਊ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੇ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੋੜ ਪਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਦਾ ਜਨੇਊ ਵੱਟ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਤਿਲਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਹੂ ਦਾ ਤਿਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਰਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਜਨੇਊ ਕੋਈ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਤਿਲਕ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭੈ ਖਾਲਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਤੇ ਜਾਨੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਕਤ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਸੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਪੰਧ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵਾਰੀ ਆਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਸੰਦ ਰੂਪ ਚ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਡਿਆਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਇਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਖੇਡ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਖੇਡ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮਸੰਦ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਕੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਸੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਭੇਟਾ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਗਰੀਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀਆਂ ਚਲਾਈਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਝੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਭੇਟਾ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਖਰ ਉਹ ਮਸੰਦ ਉਹਨੂੰ ਛਟੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਲਈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉੱਗੀ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਗੀ ਗਾਥਾ ਇਹ ਹੈ, ਚੇਤੋਂ ਮਸੰਦ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੋ ਕੜੇ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਸੋਨੇ ਦੇ, ਦੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚੇਤੋਂ ਮਸੰਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਉਹ ਕੜੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ
गुरु का सिख गुरु के दर्शन आया। सतगुरु जी ने पता हों इस इलाके की संगत कि प्यार करने वाली है, क्योंकि लंबे समय तो चली आ रही थी। फिर मैं उस गल दोहरा देव, गुर संगत कीनी खालसा, गुरु की संगत गुरु नाल जुड़ी हुई आ रही है। जेडे मनमुखी तो इला पक्ष में दूजी बारी साझा करना है, जो इवें चले आ रहे सन उस वे सरगुर सचे पातशाह ने कृपा की, जानते सन भी कितने इलाके की संगत कि प्यार करने वाली है। जो गुरुदेव सचे पातशाह ने उस सिख न आया दर्शन करने वास्ते, ते चेतो मसंद ने ते बंदिया ने उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह सचे पातशाह मिलन नहीं दिता। यह गल स्पष्ट कर दी, सादे कपड़े वेख के ओदा सादा लिबास वेख के गल स्पष्ट कर दी, भई ये कोई कमला है, ये कोई सिर फिर है, ये कोई दिमागी तौर पर संतुलन गुआ चुका हुआ बंदा है, ये गुरु साहब के दरबार अंदर नहीं जा सकता। तीन चार दिन गुजर गए, एक दिन उस सिख ने अरदास की, दातिया कदे भी तू वखत ओले होया, किसी कौड़ी ने अरदास की, धन गुरु अमरदास जी तू नू गलवकड़ी पा ली, किसी बाबा मक्खन शाह लुबाणी ने अरदास की, सतगुरु तू ओनू रस्ता विखा दिता, अज एक गरीब घर के काम छड़ के तेरे चरणों में आनंदपुर साहब की धरती से आया, तो बख्शिश करो जे मैनू भी गुरु का मिलाप हो जाए, कि मैं निराशा ना चला जावा। उदा रोना उदा तरला सिख संगत दे राही गुरु को पहुंचे। अज गुरुदेव सचे पातशाह जलों महलों तो दरबार में आन लगे, साहब ने आप ही उन्होंने लभ के गरीब ने सिख की बांह पकड़ी, लेके अंदर चले गए। अंदर ले जाके अपने तख्त के बराबर बिठा के बराबर बिठाया, चेतो मसल बड़ा रौला पाउन लग्या, पता सी भी सिख ने जो कड़े भेटा किए हुए ने, रौला पाउन लग्या दिमागी तौर से ठीक नहीं। हजूर कहने लगे कोई गल नहीं, भलिया एक घर ही उन्होंने लोगों का जेड़े बेचारे ठीक नहीं होंगे, उन्होंने गुरु घर ठीक करके अलव सत्कार देंदा, कोई गल नहीं जे ठीक ना भी होया, मैनू ए प्यार है, मैं अपने बराबर बिठाया। हजूर बराबर बिठा के गल कर लगे, विचारां दी सांझ पाउन लगे, कहन लगे सिखा मैं तेनू इन्ना याद करना है, ते तू मैनू कदे याद ही नहीं किया। सिख दी अखां विच अथरू आ गए, लाते ऐ किवें हो सकदा है, किसी नू किसी दा आसरा, किसी नू किसी दा आसरा, मैनू ते गरीब नू केवल इक तेरा आसरा है, केवल एक तेरे चरणों का आसरा है, तुसी कृपा करो मैनू अपने दर नाल जोड़ो। सतगुरु सचे पातशाह ने कृपा की, जे तू मैनू याद किया हुंदा कोई भेटा कोई प्यार की निशानी। उस वेले सिख ने बचन आखे, सतगुरु दो कंगण भेटा किए सन। साहब कहन लगे किनू भेटा किए सन, कहन लगे चेतो मसंद नू, चेतो मसंद नू बुलाया। चेतो कहन लगे मैं तुहानू पहलो नहीं सी कहा भी ये दिमागी तौर ते ठीक नहीं है। सतगुरु कहन लगे असल विच तुहाडे मसंदा दे दिमाग खराब होए ने, सिख संगत दे नहीं। सतगुरां कृपा कीती, उस वेले मसंदा नू बनदियां योग सजावां दे के उस तो बाद खालसा बनाया, अमृत छकाया, खंडे दी पहुल बख्शिश कीती। उहदा अर्थ ही यह सी भई अज तो बाद तुहाडे विचों इक आकार नू वखरा कढ के मैं एक विचार देण लगा, जिवें किसे वेले आकार बदलिया। मैं एक गल स्पष्ट कीती सी, सिखा लैणे दी फिराई है नानका दो ही खटी है, जोत ओहा जुगत साए, शह काया फेर पलटी है, शह ने केवल काया पलटी है, आकार बदलिया विचार नहीं बदलिया। अज मैं एक खालसा रूप बना के दे चलां सिखा तेनू, अज जदों भी लोड़ पवे तू आकार पंजा प्यारियां विचों चुन लवी, संगत विचों चुन लवी, संगत नू ही खालसा बना चले है, संगत नू ही शुद्ध बना चले है, संगत नू ही इन्ना कु मैं ऊंचा चुक चले है, उहदे विचों जदों तैनू लोड़ पवी पंजा नू आकार बना के उन्हां विचों खालसा रूप प्रगट करके। एक गल चेता रखी, पंज प्यारे थां थां ते बदल सकदे ने, किसे शहर किसे भी थां ते पंज प्यारे बदल सकते ने, पर विचार नहीं बदलनी। सिखा एक गल चेता रखी, विचार नहीं बदलनी, अज तक गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी नहीं बदली गई, आकार ही बदले गए है। ते सतगुरु जी ने सानू स्पष्ट कर दिता, गुरु की जिहड़ी संगत सी जिन्हों मैं लेके तुरिया सा, गुरु की संगत ते तुर के खालसा बन गई, ते अज गुरु गोबिंद सिंह जी ने उस खालसे अगे आप भी शीस नभा के आनंदपुर साहब की धरती उत्ते भी आप भी शीस नभा के उस चमकौर की गली विच भी आप भी शीस नभा के जदों गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरगद्दी दित्ती तीन थावां ते स्पष्ट कर दिता खालसा हुण तू इहो जिहे राह दा राही बन चुका होया, हुण तैनू आकार की लोड़ नहीं,
तेरे को विचार दे चले जिन्हें कदे नहीं बदलना। हुण संगत नूं गुरु संगत नूं सतगुरु जी ने खालसा देके बिलकुल स्पष्ट कर दिता। मैं एक बेनती और कर देनी चाहना, माफ करना, आप अक्सर वेखने जदों कदे रस्ता तय हो जाए जेड़े रस्ते राही असी आउने हैं जेड़े वसीले बना के आउने हैं, मान लो कोई कार ते आया, कोई किसी ट्रेन ते आया, कोई जहाज ते आया, जदों भी कदे मंजिल मिल जाए चेता रखियो जे उदों ओ आकार खत्म हो जाया कर दे, ओ निकल जाया कर दे। मनुख अपनी मंजिल ते चला जांदा है, गड्डी बाहर रह जांदी है ते अपनी मंजिल ते पहुंच जांदे। गुरु तेग बहादुर साहिब जी दा इक श्लोक पढ़ के वेखियो जे उन्होंने 57 श्लोक ने, 57 श्लोकों के 56 श्लोकों में तुहानू नानक नाम मिलेगा। जेड़ा मर्जी श्लोक पढ़ के देख लो, गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म आकार तकीन कहो नानक सुन रे मना। अपने मन विच ए गल नू सुन ध्यान नाल, अपने मन विच इस गल नू विचार चंगी तरह। गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म आकार तकीन कहो नानक सुन रे मना, कौ नानक पज रहे मना। जे विद जल को मीन, जिमें एक मच्छी पानी नू प्यार कर दी, इवे रब नाल प्यार करके देख तू अपनी मंजिल ते पहुंच जाएगा। मैं जिहड़ी बेनती करनी चाहुंदा सां, उन्होंने अनेक बाल जवानी और बिरध पुन तीन अवस्था जान कौ नानक हर भजन में बिरथा सभी मान, 56 श्लोकों में नानक नाम आएगा। पर जदों 57 श्लोक आएगा ओहदे विचों सतगुरु जी ने नानक नाम भी कढ लिया, तू विचार नाल जुड़ जाए पुत्रा। राम नाम उर मैं गे हो जा कै सम नहीं कोए, जय सिमरत संकट मिटे दर्श तुहारो होए। खालसा बना के सानू एक गल स्पष्ट कर दिती, अज तो बाद जेड़ा पंथ मैं तोड़िया सी ओ निरंकार नाल जुड़िया होया, अपने गिरदे विच परमेश्वर दा नाम बसा लिया, मैं अपना आकार भी विचों कट दिता है। गुरु साहिब ने कृपा की जी, बिल्कुल गुरमत विचार है, बाकी बड़ी महान है। इसे सदका ही जो गुरु संगत है ओ पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु प्रति जुड़देगी, गुरु दे प्रति श्रद्धा, गुरु दे प्रति एक प्रेम आस्था भरोसा ए सब प्रगट हुंदा रहा संगतां दे मनां विच जदों जदों गुरमत विचार सांझी हुंदी गई, गुरमत विचार मिलदी गई। सो जदों जदों असीं गल करदे हां गुरु संगत तों लैके खालसा तक दे पड़ाव दा, ते गुरु साहिबान दे समय बड़ी हालांकि बड़ी सारी समस्यावां आईयां क्योंकि समय दे हाकमां दा राज सी। सो इसे समस्यावां दे कारण वी, इसे समस्यावां दे चलदिआं वी गुरु साहिबान ने अपनी दृढ़ निश्चा, अपना जो एक कह सकते हैं कि धर्म के प्रति एक सच्ची निष्ठा, सच्ची श्रद्धा प्रेम भावना विच कोई कमी नहीं आती, उल्टा होर उसनु ज्यादा मजबूत किया गया। सो इस दे तहत तो जो गुरु नानक साहब जो सिद्धांत सी संगत थापण का, उसनु बाकी गुरु साहब ने बड़ी ही निष्ठा दे नाल उसनु पीढ़ी दर पीढ़ी अगे वधाया। सो पड़ा दर पड़ा पड़ा समस्यावां दे बावजूद जो गुरु संगत तो लैके खालसा तक का सफर सी ओ बड़ी ही मजबूती चलता रहा। ते सतसंगत जी इस विषय दे नाल जुड़े प्रश्न हजे होर भी बाकी ने जो ब्रेक तो बाद असी डिस्कस करांगे। ब्रेक तो जाने तो पहला आप जी साडा ईमेल एड्रेस जरूर नोट करो, साडा ईमेल एड्रेस है जी ekomkar@znetwork.com। SMS जरूर भेजो जी, SMS भेजने वाले मोबाइल का मैसेज बॉक्स जाओ, ekomkar टाइप करो, स्पेस दो, सवाल सुझाव फिर नाम लिख देना है जी, इस नूं भेज देना है 575753। साडे विशेष विचार चर्चा अगे भी जारी रहेगी जी, थोड़ी देर बाद मुड़ तो वापस आने हैं। टेररिज्म की लड़ाई जड़ी है वो सरकारा ने लड़नी है, ते एक्टिविस्टा ने कोई होर बोली बोलनी। जड़े भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन होंदी है दुनिया भर में ज्यादातर स्टेट ही करता है। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਅਲੋਕੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਓ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੇ। 36 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਸਲ ਪਾਵਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਯੂਜ਼। ਵੇਖੋ ਖਬਰਸਾਰ ਹਰ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਰਾਤ 8:30 PM। ਮੈਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ। ਜੀਨੇ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ। ਵੇਖੋ
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ 7:30 ਵਜੇ। बार बार तुमको हम सब का प्रणाम, तुम कितने बड़े हो हाँ कितने। लेकिन एक बात मत भूलिए डीएसपी साहब, ये सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। जानो तुम जानो या हम जाने, ये आज नागपंचमी है क्या? तेरे साहब को दूध क्यों पिला रहा? जा रे जा, जा रे जाओ हर जाई, देखी तेरी दिलदारी। मैंने एक रख के दिया, मैंने कहा फेंकता है, डर गया। कभी कहता था प्रभाकर, कभी कहता था टालीगंज। कौन है तुम्हारा शाखा? शाखा हमारा नाम है हुजूर। पत्थर की पूजा करके हारी मैं हारी, जा रे जा। वेखो सुपरहिट फिल्म काली चरण दी इनसाइड स्टोरी आज शाम 7:30 बजे सिर्फ पुरानी रील विच। ओ जिंद माई बाज तेरे कुमलियां के तेरियां लाडलियां, ओ तेरियां लाडलियां पर टांगा के पाकी फिर न कदे, ओ पाकी फिर न कदे ना यहां के एक पल बह जाना, ओ एक पल बह जाना। सुरीले सुर ते मिठियां गल्लां नाल सजी एक संगीतक शाम मशहूर सिंगर जीत चज्जी दे नाल। वेखो स्टूडियो सरगम शुक्रवार शामी 7:30 बजे। ब्रेक तो बाद प्रोग्राम एक ओंकार विच आप जी दा स्वागत है। सासंगत जी अज असी विषय ते जेड़े विचार कर रहे हो वो विषय है गुरु संगत किन्नी खालसा मनमुखी दुहेला। सरनल ज्ञानी अमरीक सिंह जी ने ज्ञानी जी ब्रेक तो पहले दस्या कि गुरु संगत जो है उसकी परिभाषा की गुरु संगत है कि जो संगत भाव तुसीं दस्या कि इकट्ठ एक अजिहा इकट्ठ जिथे सिर्फ गुरु की गल हुंदी, जिथे सिर्फ सच की गल हुंदी है। जदों असीं गल करदे हां गुरु संगत तो लैके खालसा तक दे पड़ा दा, हालांकि इस विच भी कई तरह दी समस्यावां आईयां गुरु साहिबान दे जीवन काल विच, पर फिर भी बड़ी दृढ़ता दे नाल इस नूं अगे वधाया गया। शब्द गुरु की गल कीती, शब्द गुरु जिस तरह की सब जानदे ने गुरु नानक देव जी दित्ता होया सिद्धांत है, ते उस तों पहलां भी कोई सिद्धांत सी? इस गल च कोई दोरामा नहीं। धर्म की गल तो हमेशा आदि काल तो शुरुआत होंदी रही है। धर्म का असल विच अर्थ है ड्यूटी फर्ज ते अपनी जिंदगी जीण दा ढंग। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਕਾਰ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਨ ਖਾਏ, ਬ੍ਰਹਮਣ ਨਾਵੇ ਜੀਆਂ ਕਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਤ, ਤਿੰਨੋਂ ਉਹ ਜਾਣੇ ਕਬੰਧ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਤੁਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਗੋਲ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝਾਏ ਮਨੁੱਖਤਾ ਭੋਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ, ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਬੈਠੀ। ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਸ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਡੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਿਸੇ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸਖਤ ਮਨਾ, ਜੇ ਖੁਦ ਬੰਦਾ ਬਰਸ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸਖਤ ਮਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਤੂੰ ਖੁਦ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸਰੀਰਕ ਆਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਜੋੜਨ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਏ, ਉਹ ਜੋੜਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ
पर वक्ती लोगों ने सिद्धांत उत्ते कब्जे करके कोई किसी धार्मिक मंदिर विच दूजी श्रेणी नूं नहीं सी आउण दिंदा, कोई किसी रब दे घर विच दूजे लोगों नूं नहीं सी आउण दिंदा। पर गुरमत ने यह वक्री विचारधारा स्पष्ट सामने कर दिती सरला, जे रब सब दा सांझा है, लुकाई मनुखता बनाई हुई रब दी सांझी है, फिर इस घर विचों इक यह होका उठिया करेगा, अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया। कौन भले को मंदे, जेडे ओ विचार सन, सिद्धांत सन, ओ कुछ लोगां दे कब्जे विच आके कुछ कुछ लोगां नहीं रह गए सन, पर जिहड़ी गुरमत दी विचारधारा है, थाल विच तिन वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पईओ, जिसका सब सरदारो, जे को खावे, पाबंदी नहीं है, पिकले सिख दी कहानी है, जे को खावे, जे को पुंचे, तिसका होए उधारो, ए वस्त जीना जाई, नित नित रखुड़तारो, ए सिद्धांत एक नवा मनुखता दे सामने सतगुरु जी ने रखिया सी। जी बिल्कुल, हालांकि वक्ती लोका ने इस सिद्धांत नूं एक आकार दा रूप दे दिता, पर गुरु नानक साहिब जी दा जो शब्द विचार है उसने आखिर जित प्राप्त की, सारी संगतां दे मन विच जो प्रभाव पिया, जो असर पिया, वह हालांकि अज दे युग विच भी कायम है, तरह दी दुनिया तक शब्द गुरु सिद्धांत इसे तरह ही कायम रहेगा। जदों मनमुखी दुहेला जो इस दी नेक्स्ट अगली पंक्ति है, इस नूं किस तरह डिफाइन करांगे? जी बिल्कुल, गल चेते रखने वाली है, गुरु ते सिख दा मिलाप कलों है जी। साहब ने आप स्पष्ट कर दिता सी, शब्द गुरु सुरत तो निचेला, तुहाडी सुरत विच गुरु दा निवास हो गया, समझ लो गुरु अते सिख दा मिलाप हो गया। बाहरी तौर ते तां सिर्फ असी यह दिखाने हैं भई इस जीवन दे अंदर की है। मैं एक फिर उदाहरण ले लां, किसी भी दुकान दा बोर्ड पढ़ के उहदे अंदर असी जाने हैं भी इस दुकान दे उत्ते आ कुछ होएगा। इसे तरह किसी भी धर्म की विचारधारा उदे धार्मिक चिन्ह तो प्रगट हो जाती भी ए अंदर की होगा। अंदर गुरु शब्द टकाया ते बाहरी तौर ते सानू आ स्वरूप दिता सतगुरु जी ने, एक बोर्ड है जिदे अंदर गुरु शब्द आना चाहिए। जो इस आकार वाला बंदा, जो इस निशानिया वाला बंदा, ते उदे अंदर भी फिर कोई आकार बैठा हो, किसी रूप में बैठा हो, किसी नकली देहधारी दे रूप च, जे उदे अंदर अज भी आकार बैठा ते माफ करना, वह अज भी गुरमत दे सिद्धांत तो अणजाण है। सतगुरु जी ने फिर स्पष्ट किया सी, मनमुखी दुहेले का अर्थ सी भी जेड़े ता सुरत करके जेड़े अंदरों शब्द नाल जुड़ गए ओह ते धन गुरु अंगद साहिब जी दे रूप विच बन गए। मैं दो शब्दां नाल होर ले लां जी, इवें आपां कह सकदे अपने तौर ते विचारन वास्ते, सिक्खी दी अरंभता ही दो तरह की हो गई सी, एक गुरु की सिक्खी जिहड़ी गुरु संगत की नहीं खालसा विच वाले पासे चलेगी, एक गुरु क्या दी सिक्खी। मैं सिर्फ समझने लई दो शब्द वरते ने, गुरु क्या दी सिक्खी भी ओह गुरु दी रीस करन विच लग पे ते ओह केवल इसे गल विच उलझ गए, पर जेहड़े गुरु की सिक्खी है ओह गुर संगत की नी खालसा तक पहुंच गए। जेहड़े मन दी मन नूं वरतदे रहे ओह मनमुखी दुहेला होके, दुहेले दा अर्थ हुंदा दुखी होके अपनी जिंदगी गुजारदे रहे। ये सारी विचार अज साडे सामने है, गुरु नानक साहिब दी रीस करन वाले भी खाली रह गए, गुरु अंगद साहिब दी रीस करन वाले भी खाली रह गए, गुरु अमरदास जी दे लत्तां मारन वाले अज तक असी समझने हैं, उन्हां नूं लत्त दे मुकाबले विच गुरु ने मत दे के स्पष्ट कर दिता। अज गुरु दी मत ते पूजी जांदी है, पर लत्त वाले दा कोई जिक्र नहीं, किसे उहदा गुरपुरब, किसे उहदा शहीदी दिन, किसे उहदा कोई होर दिन नहीं मनाया जांदा। वक्त आया फिर उन्हां मनमुखां नूं जिन्हां ने गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी दे बारे विच, जां गुरु अंगद साहिब जी दे, जां गुरु अमरदास जी दे बारे विच एक बड़ा प्यारा बचन आउंदा, उहनूं बड़े ध्यान नाल सुणीए जी। गुर बाबे फिटके से फिटे, गुर अंगद कीते कुड़ियारे, गुर तीजी पीढ़ी विचारिया, क्या हाथ इन्हां विचारे, गुर चौथी पीढ़ी टिकिया ते निंदक दुष्ट सब तारे। जिन्हां ने चौथी पीढ़ी गुरु रामदास जी नूं टिकिया सी, भाव गुरु अमरदास जी ने उन्हां निंदकां ते पापियां नूं भी सीधा राह दिखाउण दी कोशिश कीती, जिहड़े उस वेले गुरु घर दे विच आ गए। सतगुरु जी ने स्पष्ट कर दिता, सो सिख सखा बंधप है भाई, जे गुर के भाणे विच आवे अपने भाणे जो चले भाई, विछड़ चुट्टा खावे। दसवें पातशाह दे वेले ओहियो गल स्पष्ट कर दित्ती, रहनी रहे सोई सिख मेरा,
और साहिब मैं उसका चेहरा स्पष्ट कर दिता। जेडे अज भी गुरु की बाणी नू लेके अपनी जिंदगी का सिद्धांत बना के तुरनगे वह गुरु संगत भी चले जाणगे। जेडे अज भी किसी तरीके इस मनमुखी विचार नू लेके तुरनगे मनमुख के अंदर सतगुरु जी ने स्पष्ट कर दिता कहन लगे उहदे जीवन के अंदर मनमुख मूलों भुलिया विच लभ लोभ अहंकार झगड़ा कर दिया अंदर गुजरे शब्द न करे विचार शुद्ध मत करते किरत लई बोलन सब बेकार जिते किते न संतोखी है अंतर तृष्णा अज्ञान अंधार। एहो जे लोगां दे अंदर जदों इह भावना बन जाए उहनां दे मनां विच इक भावना बनी रही सी उह मनमुखी होके दुगेले हुंदे रहे। इक पक्ष में छोटा जिहा होर तुहाडी आगे लैके रखां तुसी कदे इतिहास नूं बड़ी गंभीरता नाल पढ़ के देखो जे गुरु नानक साहिब जी दे वेले गुरगद्दी दी झगड़ा गुरु अंगद साहिब जी ने वेले गुरगद्दी का झगड़ा यह झगड़ा चलदिया चलदिया पंजवें पातशाह तक झगड़ा रहा है सारे पासे पर जदों उन्होंने मनमुखी लोगों ने सोचा सी भी तख्तां ते बैठना है मनमुख लोगों की सोच सी भी चौर सिर ते चलाउणे ने इहदा ही नां गुरु है संगतां कोल मत्थे टकाउणे ने इहदा ही नां गुरु है। पर जदों उन्होंने गुरु अर्जन पातशाह नूं तत्ती तवी ते बैठिया वेखिया और सारे मनमुख भज गए भई साडे कोलों तत्ती तवी ते नहीं जे बैठिया जाना। छेवें पातशाह दे वेले इतिहास विच गुरगद्दी दा कोई झगड़ा नहीं कोई नहीं कोल खलोता। फिर वक्त आया जदों अगे सतवें पातशाह दे वेले फिर गुरगद्दी दा झगड़ा है अठवें पातशाह दे वेले फिर गुरगद्दी दा झगड़ा है नौवें पातशाह दे वेले तां बाई मंजियां लगियां दसवें पातशाह दे नौवें पातशाह नूं चांदनी चौक विच शहादत दिंदिया वेखिया दसवें पातशाह दे वेले फिर भी इक गुरगद्दी दा झगड़ा नहीं सारे भज गए मनमुख दुवेले होके भज गए ते उहनां दी जिंदगी दे अंदर उह सच ना मिल सकिया। पर जिहड़े गुरु संगत रूप विच सन उस वेले भी इन्हां विचों बहुत घट चुने गए सर उदों भी भज गए होणगे लोक ते गुरु नानक साहिब जी ने जे इन्हां विचों बाबा धन बाबा लहणा जी नूं चुण के गुरु अंगद साहिब बनाया सी उदों भी इन्हां विचों चुण के पंज प्यारियां नूं चुणिया सी ते सतगुरु जी ने स्पष्ट किया सी मनमुख सदा नाल चलदा आया। पर यह गल चेता रखने वाली बात है सतगुरु जी ने स्पष्ट कर दिता नानक मनमुखां नाल तुट्टी भली जिन माया मोह प्यार साडा वास्ता मनमुखां नाल नहीं है साडा वास्ता गुरमुखां नाल है। ओयो लोक गुरु संगत रूप विच पैदा होए गुरु दा लड़ पकड़ के एक दिन ओ संगत खालसा रूप विच प्रगट हो गई जी। जो खालसा है जो जो के समय विच जो देखते हैं गुरु संगत दी गल करदे हैं खालसे दी गल करदे हैं खालसा जो है वो धर्म नाल टुटदा जा रहा है इसका कारण की है ते फिर इसका निवारण की है जी। मैं एक गल पहला तां मैं तुहाडे कोलों खिमा मंगांगा इस गल दी खालसा नहीं टुट रहा असल विच असी लोक टुट रहे हैं जी। एक सिद्धांत है एक स्पष्ट विचारधारा है जेड़ा भी उन्हूं अपनाएगा ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤਾਤ ਕਾਰਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਵੇਖ ਸਕਨੇ ਆ। ਨੰਬਰ 1 ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਖਲੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਆਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੋਈ ਲੈਣ ਜਾਵੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਿਆ ਦੇਖੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ ਭਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਣਗਿਣਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਣੇ ਵਰਤੇ ਕਾਰਨ ਵਰਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਭਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ।
अगर अज भी असूलों करके पहला सिख सी असूलों करके अज सिख है रहनी करके पहला सिख सी रहनी करके अज सिख है अगर अज भी सिख रहनी विच आ जाए तो अज भी इस बुलंदियां नूं छूएगा जेड़ा एक एक भी एहो जे थां ते अड़के खलो जांदा सी। तुसी देखो भाई तारू सिंह वर्गियां दी शहादतां मोता सिंह गर्जा सिंह वर्गियां दी शहादतां ओह कले कले सिख दियां एडियां वड्डियां वड्डियां शहादतां ओह क्यों उहनां विच इन्नी दृढ़ता सी क्योंकि उहनां दे अंदर गुरु वसिया होया सी उहनां दे अंदर गल गुरमुख दी सी। अज लोड़ है उसे गल दी असीं उहनां सिधांतां नूं उहनां बचनां नूं उहनां गुरबाणी दे पावन पवित्र विचारां नूं अपने हिरदे विच विचार के तुरिए ते अज भी एक गल चेते रखण वाली है असीं अज भी नहीं भटकांगे। जकरिया खां ने उस वेले वक्त दे हाकमां नूं एक गल पुछी सी लोकां नूं बिठा के पुछी सी वी इह सिख खत्म क्यों नहीं हुंदे असि इन्ने उपराले करते हैं हर एक तरीका वरत के वेख लिया। उन्होंने रतन सिंह पंगू ने बड़े प्यारे शब्दों में लिखा हुआ है कह लगे उन्होंने जवाब दिता सी मुर्शिद इनका बली भयो है इनको आबे हयात दे हो है ऐसी गयो कलाम बते है जिते सुला बना ए रहे गजब असर तिसका हम देखा बुझदन होबत शेर बदेखा। कह लगे एक अमृत बना लेंदे ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੋਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲਾਮ ਬਕਾ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸਥਾਨ ਰੱਖਣਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਗਿਰਾਵਟ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਦਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਸੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਜੋ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਹਰੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਹੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਗੁਣ ਹੋਵਣ ਸਰਬ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਆਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਹੋਇਆ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਵਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਵਚਨ ਆਖਦਾ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਚੀਤ ਤੁਮ ਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੀਤ ਸੁਹਾਗਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਦੁਹਾਗਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਮਨਮੁੱਖ ਕਿਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਪੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਸੁਚੱਜਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਪਲ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਵੇ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਟੇਕ ਲਵੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਦੁਵਿਧਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ 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 ਧਰਮ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਚਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ
इतिहास बारे गल कर करके असी जदों असी उसका मुकाबला असी एक कह सकते हैं कि कंपैरिजन करते हाँ सिख इतिहास नाल ते फिर एक नवेकली ही विलक्षणता सामने आती है जो गुरु नानक साहब जी ने जी, अपने समय विच जी बहुत ही कीमती गल कही है। मैं उसनु जरूर खोलना चाहना, आम करके गल नहीं कही जाती जी, अज तुसी बहुत कीमती गल कही है। अजोके समय दे विच हर बंदा डिप्रेस है जी, और मैं हैरान है भाई जे किते सिख रबी बाणी जपजी साहिब ही ध्यान नाल पढ़ लवे ना जी, ते चार बारी आउंदा उहदे च, बाकी दी गल चलो छड्ड दईए, चार बारी ते बिल्कुल स्पष्ट रूप च है ना, नानक भगता सदा विगास, सदा विगास सदीव काल जिंदगी दा आनंद सुणिआ दुख पाप का नाश। अज दी बहुत बहुत ज्यादा जरूरत लोड़ है, कदे सिख अपने आप नू मौत ना मखौला करदा सी, अज ओ आत्महत्या जां खुदकशियां कर रहे हैं। बहुत कीमती गल तुसी अज कही है, अज दी लोड़ है। बच्चे नू चिरक दियो, ओ निक्के दो पेपरां दे विचों नंबर घट रह गया ते खुदकशी, बच्चियां नू चिरक दियो खुदकशी, पत्नी नू चिरक दियो खुदकशी, पति नू चिरक दियो खुदकशी। ए रिश्ते तंदा इन्नियां नाजुक तां हो गईआं क्योंकि साडे अंदरूनी जिहड़ी पेशेंस है, जिहड़ी बर्दाश्त शक्ति है, जिस गुरबाणी ने साडे अंदरों तत् भरना सी, असीं हर औखी घड़ी दे विचों भी एक रबी टेक लैके तुरना सी, साडा अंदरूनी पक्ष कमजोर हो गया, अज ओह शब्द नाल फिर स्ट्रोंग हो सकदा जी। बिल्कुल, असि नित दिन कमजोर हुंदे जा रहे हैं, जे सानू मजबूत बनना है, गुरु दे लड़ लगना है, ते सानू बाणी दा सहारा बाणी दा आसरा लेना ही पएगा। बाणी दे पाठ पढ़न वेले असि कई तरह दियां गल्लां वल साडा ध्यान ओ छेती जांदा है, पर अजिहे विच होना नहीं चाहिदा। हाँ, उद्दम कोशिश जरूर करनी चाहिदी, जदों असि बाणी दा पाठ पढ़दे हां ते कोशिश करिए कि जो मन है ओ बाणी विच टिक जाए। सो हौली हौली शुरुआत करन दे नाल ही उस तो बाद जदों असीं बाणी दा मतलब समझदे हां, पाव समझदे हां, तां असीं कई तरह दे डिप्रेशन तों, कई तरह दी परेशानियां तों निजात पा सकदे हां। हर कड़ी विच गुरु ग्रंथ साहिब जी साडे नाल ने, बस असीं हमेशा ही अंग संग सहाई मनना है, खाली कहण लई नहीं मनना, मन के वी मनना है। ते सतसंगत जी, हुण धर्म विचार नूं इत्थे संगोष्ठी हां, धर्म विचार तों बाद वेला हो चलिआ खालसा खबरां दा। हरिद्वार की हरकी पौड़ी का विवाद उस वेले एक बार फिर घेरा गया जो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सरहद ते उत्तराखंड पुलिस ने सिख श्रद्धालुओं नाल धक्का मुक्की की। मंगलवार नूं डेरा दादू साहिब समेत पंजाब तो पौंटा साहिब पहुंचे श्रद्धालु गुरु नानक देव जी दे प्रकाश उत्सव नूं लैके जत्थेदार बलजीत सिंह दादूवाल दे अगवाई विच गुरुद्वारा ज्ञान गोदरी वल वध रहे सन कि पुलिस ने रस्ते विच उन्हां नूं रोक लिया ते अगे वधन दी जिद ते केस करके गिरफ्तार कर लिया। काबले गौर है कि गुरुद्वारा ज्ञान गोदरी संघर्ष कमेटी ने 16 नवंबर नूं उत्तराखंड सरकार तों हरकी पौड़ी जाण दी इजाजत मंगी सी, पर कोई हुंगारा ना मिलदे विच श्रद्धालुआं ने अगे वधण दा फैसला कर लिया। खालसा खबरां तों बाद हुण लैणे आ जी आप जी दे प्रश्नां दे जवाब। प्रश्न आया जी गुरदासपुर तों, बलजीत सिंह जी पुछ रहे ने साकत तों की भाव है जी। गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पवित्र बाणी विच इस तरह दे कई शब्द आए हैं जी, जिवें आपां मनमुख भी कह सकने हैं जां बेमुख भी कह सकने हैं, पर साकत शब्द सारे नालों वध खतरनाक है। क्यों? क्योंकि उहदा कारण है, बेमुख कह सकदे जिन्हें अजे गुरु वल मुख नहीं कीता, अजे उह तुरिया नहीं है, उहनूं नहीं पता। उदों अगले पड़ाव च है मनमुख बंदा। मनमुख बंदा उह हुंदा है जिहड़ा रहिंदा तां गुरु दे कोल है, पर उह मन दी मर्जी करदा है। एक तो गुरु तो ही बेमुख है, वह तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया भी तुरे ही कुराहे है। दूजा मनमुख है, वह रहिंदा गुरु के कोल है, पर करदा मन की मर्जी है। उहदे कोलों भी कई बार सानूं स्पष्ट पता लग जांदा है भी यह बंदा अपने मन की मरत वरत रहा है, यह सच की गल नहीं कर रहा। तो जदों उहदी भी गल सानूं सामने स्पष्ट होगी, किते ना किते टकराव विच सानूं मनमुख की भी पहचान हो जाती है। साकत बंदा वह है जिहड़ा रहिंदा गुरु साहिब के कोल है, प्रतीत भी इवें हुंदा कि शायद वह भिज गया हो। सतगुरु जी ने साकत लोगों नूं पत्थर दे नाल तरजीह दित्ती है, ते ओह लोक कदे तब्दील नहीं हुंदे। पत्थर नूं जिन्ना चिर मर्जी पानी विच रख लईए, ओह कदे तब्दील नहीं हुंदा। सतगुरु जी दी बाणी दे इक वचन रोज पढ़दे हैं, ओह सानूं कदे भी नहीं भुलना चाहीदा। साकत बंदा ओह है, साकत हर रस साधना जाणिया
तेन अंतर होमे कंडा गे जो जो चले चुबे दुख पावे जमकाल सहे सर डंडा गे। असल विच साकत बंदा ओ हुंदा है जेड़ा रहिंदा भी गुरु दे कोल है, इउं प्रतीत हुंदा है जिवें मर्जी भी अपनी नहीं कर रहा, गुरु दीआं गल्लां नूं सच करके मान रहा है पर अंदरों कदे तब्दील नहीं हो रहा। अंदर उमे दा उमे साकत बंदा कठोर है ते ओ कदे जिंदगी च तब्दील नहीं हुंदा। ओनू गुरमत ने साकत कहा जेड़ा तब्दील ना होवे। साकत बंदे नू कदे रब्बी रस नहीं आउंदा, साकत बंदा कदे निरंकार दे चरणां विच नहीं जुड़ सकदा, साकत बंदा कदे धर्म दी दुनिया तो दूर नहीं हुंदा, धर्म दी दुनिया विच रह के भी अपने आप नू कदे तब्दील नहीं करदा, अपना जीवन उमे दा उमे दुखां विच गुजारदा है। जी अगला प्रश्न है जी, दिल्ली तो इकबाल सिंह जी पूछ रहे ने, वस्त अंदर वस्त समावे दूजी होवे पास, इसका अर्थ क्या है? जी पहला तो मैं उच्चारण शुद्ध करना चाहूंगा, वस्तु अंदर वस्त समावे दूजी होवे पास, हो सकता है किसी लिखने च गलती हो गई हो, मैं माफी चाहना। सतगुरु जी ने एक बड़ा प्यारा सिद्धांत, ए आशा की वार दी पंक्ति है, एक बड़ा प्यारा सिद्धांत बख्शिश किया और सानू बहुत ध्यान नाल सुनना चाहिए। वस्तु अंदर वस्तु समावे दूजी होवे पास, पहली वस्तु कढ़ के नाल रखनी पैंदी है, फिर ही उस खाली भांडे विच दूजी वस्तु पाई जा सकती है। यह गल बड़ी प्यार वाली है, जदों असी गुरु घर विच आउने हैं असी कदे अपने जीवन दा भांडा खाली करके लेके नहीं आउंदे, असी अपनियां सियाणपां अपनियां अकलां अपने हंकार अपने सवाल अते अपनियां मंगां इना कु भांडा भर के लेके आने, फिर कदे इस भांडे विच वस्तु दे समा जाण दी आस नहीं हुंदी। कोई एक दो मैं इशारे देना चाहांगा आप जी नाल सांझे करने, सतगुरु जी ने किहड़ा प्यारा बचन बख्शिश कीता, धन गुरु नानक साहिब जी ने भांडा धोए कहिंदे सरना कल्ला भांडा खाली करन गल नहीं बननी, भांडा धोए बैस धूप देवो तां दूधे को जावो। जे अपनी जिंदगी दे शुभ कर्मां दी गल करन लगे हो ना, गुरु कोलों दात लैण लगे हो, पहला जीवन दा भांडा धो, इहनूं चंगी तरह धुप विच सका, पहली इहनूं कोई समैल ना आवे इहदे विचों, पहला कोई इहो जी गल ना होवे, भांडा धोए बैस धूप देवो तां दूधे को जावो, ते उस फिर मालक कोलों दात लैण जा। दूध कर्म फुल सुरत समाइण होए निराश जमावो, जपो तां एको नामा अवर निराफल कामा। हुण अज की है, इक में छोटा होर लै भाई मंज ने जो सिखी धारण की गुरु साहब ने चरणा में आया तो बड़ा प्रभावित होया, साहब न कह लगे मैंने सिखी की दात बख्शे करो, हजूर कह लगे भी भलिया सिखी उत्ते सिखी नहीं टिकनी होंगी, वह कह लगे मतलब की दात है मैंने समझा, साहब कह लगे घर च तेरे कबर, वह कह लगे मैं ढा देंगा, हजूर कह लगे घर च कबर ढा देंगा ते अपने मन विच बनियां कबर किवें ढाएंगा, कह लगे साहब समर्था बख्शिश कर मैं मन दियां कबर भी ढा देंगा। और धन है भाई मंझ, वह घर दियां कबर भी ढा के आया, वह मन दियां कबर ढा के आया। अज फिर मैं दुख नाल कहना चाहना, अज असीं फिर दोबारे कबर की पूजा विच लगे हुए हैं, अपने घर विच भी अपने हिरदिया च भी कबर बनाई बैठे, जठेरिया की पूजा इत्यादिक वह सारिया कबर की पूजा वर्गी पूजा है। मैं खैर अपने विषय वल रवां, सतगुरु जी ने स्पष्ट किया पुत्रा पहला अपने हिरदे विचों इन्हां चीजां नूं कढ के पासे रख, जिस दिन बाबे लहणे ने दूजिया गल्लां कढ के भांडा खाली करके गुरु अंगद साहब जी दे रूप गुरु चरणा विच आए सन, गुरु नानक ने अपना आप उन्हां दे विच टका दिता सी। जे अज गिरदे विच गुरु शब्द टिकाउणा चाहुंदे हो, जे अज गिरदे विच सुखमनी साहिब सुणना चाहुंदे हो, जे अज गिरदे विच गुरु ग्रंथ साहिब दी विचारधारा बिठाउणी चाहुंदे हो, तां आपां नूं इह चाहीदा है अपने गिरदे नूं खाली करके आईए। भाई वीर सिंह दा इक लिखिया होया बचन मैं तुहाडे नाल सांझा करना चाहुंदा, उहने इक बचन बड़ा प्यारा लिखिया, कहिण लगे मैं अपने सिर दा भांडा बणा के इहदा बाटा बना के ते कईआं दे पढ़िआं लिखिआं दे दुआरे दुआरे ते गया, उहनां ने जो मैनूं भीख पाई ग्यान दी ओह मैं अपने भांडे विच संभालदा गया। मैं भर गया ते भरिआ होइआ भांडा मैं सोचिआ भी इन्ने लोकां दे विचारधारा मेरे कोल है, मैं बड़ा हंकारी हो गया। एक दिन इसे हंकार दा भरिआ होइआ मैं गुरु चरणां विच जाके मत्था टेकिआ, जदों मत्था टेकिआ गुरु ने ठोकर मार के भांडा उलटा दित्ता, कहिण लगे लोकां दी झूठ चुक लै जा सज्जणा, इह असल विच तत ज्ञान नहीं, इह असल विच वस्तु नहीं है। मैं हैरान होइआ, मैं तां समझदा सां जहां ज्ञान तै धर्म है, मैं तां बड़ा ज्ञानी हो गया,
मेरे को कई विचारधारा है, पर गुरु ने जलो ठोकर मारी, ठोकर ही नहीं मारी, भांडा धो के साफ करके उस गुरमत रखी। भाई वीर सिंह ने बोलने बड़े प्यारे, भांडा धोए वैष्णु, उन्होंने वचन है बड़ा प्यारा, सिर कचकौल बना हथ लीता पढ़िया द्वारे फिरिया, दरदार दे टुक मंग मंग पाए तुन तुन के भरिया, भरिया जान अफरिया मैसा जाना पंडित होया, टिके ना पैर जमी ते मेरा ऊंचा हो तुरिया। एक दिन एक चकाओ ले गया मुर्शिद मूहरे धरिया, झूठ झूठ कर उस उलटाया खाली सारा करिया, मन मन के बिर तोता इस नूं झूठ इलम दी लाही, वेखो एक चकाओ लिशकिया कमल वांग फिर खिड़िया, अपने अंदरों पहला कढ के गया नूं गुरु दी विचारधारा तां बच सकदी है जी। जी ते एसी आप जी दे प्रश्नां दे जवाब हुन इजाजत दियो जी, वेला हो चले जान तो पहले एक बार फिर तो ईमेल एड्रेस नोट करो, ईमेल एड्रेस है ekunkar@zeenetwork.com। एसएमएस जरूर भेजो, एसएमएस भेजने लई मोबाइल दे मैसेज बॉक्स जाओ, ekunkar टाइप करो, स्पेस से सवाल सुझाव नाल लिखना, इस तो भेजना है 575753। ते ज्ञानी अमीर सिंह जी आप जी दा बहुत बहुत धन्यवाद। सारे दा धन्यवाद जी। जी सो इस अकाल पुरख दी सिफत सलाह विच अज दी हाजरी, हुन इजाजत दियो जी, प्यासत फतेह बुलाने आ, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।